दोस्तों हमारे चैनल पर दो गिव अवे पहले से ही चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि 7 जून को संडे को मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आकर दोनों वीडियो में रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। और हाँ, इसकी सूचना आपको कम्युनिटी टैब में भी दे दी जाएगी। आज है मेरे पास दो और प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट जो हमें मिले हैं ये मिले हैं म्यूलो की तरफ से। ये जो है ये है सोल्ट ट्रिप 500, एक वायर्ड हेडफोन है। और अगर इसकी बात करें तो ये है म्यूलो की तरफ से वंडरलूप 500, और ये वायरलेस नेकबैंड हेडफोन है। इनकी भी मैं करूंगा अनबॉक्सिंग, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे इनका, और मैं इसका भी एक गिव अवे करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चले देखते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये है म्यूलो की तरफ से आने वाला सोल ट्रिप, और ये जो सोल ट्रिप 500 है इसमें आपको सुपर रिच बेस मिल जाता है, और ये एक वायर्ड हेडफोन्स है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको सुपर रिच बेस के साथ क्लीन साउंड भी मिलेगा, क्रिस्प वोकल्स मिलेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें प्रीमियम एल्यूमिनियम एलॉय ईयर टिप्स देखने को मिलेंगे। और स्टाइल तो इसका हम देखेंगे किस तरह का स्टाइल है। यहाँ पर इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि 1 बटन यूनिवर्सल रिमोट विद माइक इसके अंदर मिल जाएगा, साथ में आपको 10mm का ड्राइवर भी मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बाद में ये दूसरा वाला जो बॉक्स है फिर उसको भी हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो चलिए मैंने सील को है कट कर दिया है, और यहाँ पर हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ तो पेपर वर्क मिलेगा, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक पेपर वर्क है, छोटा सा कार्ड ही है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको पढ़ूंगा। और यहाँ पर जो है इसके अंदर ये हमें ईयरफोन मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ टिप्स भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ईयर टिप्स मिल जाते हैं जो अपने कान के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर फिलहाल इस डब्बे को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ। और ये है हमारा ईयरफोन जो कि एक वायर्ड ईयरफोन है। तो यहाँ पर अगर बात करें इसके वायर की, तो वायर की जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके प्राइस के हिसाब से वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो इसका 3.5mm जैक है उसकी जो ये एल शेप बनी हुई है उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा देखिए आपको माइक्रोफोन भी मिल जाता है, यहाँ पर म्यूलो की ब्रांडिंग दी गई है, और यहाँ पर आपको जो है कंट्रोल बटन भी मिल जाएगा। और ये देखिए इस तरह के यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी म्यूलो। और ये जो है इसके ईयर टेप है वाकई में एल्यूमिनियम के हैं, और काफ़ी प्रीमियम दिखाई देते हैं। बाकी मैं इनको अभी सुनूंगा, इसमें साउंड कितना अच्छा है वो मुझे देखना पड़ेगा सुनकर। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग थी, तो इसको तो हम रख देते हैं साइड में, और अब हम ये बड़ा वाला जो बॉक्स है इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये भी म्यूलो की तरफ से है, और इस पर लिखा हुआ है वंडरलूप 500 वायरलेस नेकबैंड ईयरफोन ब्लूटूथ 5.0 का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कुछ फीचर्स यहाँ पे बैक साइड में लिखे हुए हैं। देखिए इसके अंदर भी 10mm का एक स्पीकर ड्राइवर यूज किया गया है जिसमें आपको डीप बेस साउंड मिल जाएगा। ब्लूटूथ 5.0 का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जिसमें जो पावर कंजप्शन है वो काफी लो है, सबसे बड़ी बात मुझे यही लगी है। और इसके अंदर एक चीज और बता दूं, 130mAh की आपको एक बैटरी मिल जाएगी, और ये बैटरी आपको म्यूजिक प्ले टाइम देगी 12 आवर्स का 50% वॉल्यूम पर, और 9 आवर्स का ये आपको दे देगी बैकअप 100% वॉल्यूम पर, और इसमें 2 आवर्स लगेंगे इसको चार्ज करने में। यहाँ पर एक बार बता दूं IPX7 ये साथ में आता है इसके, ये स्वेट प्रूफ है और वाटर रेजिस्टेंट भी है, और वोकल असिस्टेंट टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाती है जो एक कंफर्टेबल है एप्पल के सीरी के लिए और गूगल असिस्टेंट के लिए। साथ में इनबिल्ट मोटर मैकेनिज्म दिया गया है, कॉल वाइब्रेशन अलर्ट इसमें मिल जाता है। तो चलिए इसके भी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ सील लगी हुई है, मैं सील को यहाँ पे कट कर देता हूँ, और मैं नाइफ को रख देता हूँ साइड में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी म्यूलो की जो है ब्रांडिंग है, वंडरलूप 500 लिखा हुआ है, और ये कुछ इस तरह से ओपन होता है। तो चलिए मैं इसको बाहर निकालता हूँ। सबसे पहले तो ये हमको कुछ मिलता है, कुछ ये है कुछ ये है, और इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेड और ब्लैक शेड में आपको ईयर टिप्स मिल जाती है अलग अलग साइज में। आप देखिए ईयर टिप्स काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये जो ईयर टिप है आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इनको मैं साइड में रखता हूँ। और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है जिसमें बताया गया है इसको हम कैसे यूज़ वगैरह करेंगे सब। और ये कार्ड जो है जो हमें मिला है दूसरे वाले ईयरफोन में सेम वही मिल जाता है। तो चलिए इनको भी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमको एक चार्जिंग केबल भी मिल जाती है। चार्जिंग केबल की बात करें तो आप देखिए माइक्रो USB टू USB छोटी सी चार्जिंग केबल है जिससे हम इसको चार्ज कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको रखते हैं साइड में, और हम लेते हैं हमारी म्यूलो की नेकबैंड को। तो यहाँ पर दोस्तों ये है म्यूलो का नेकबैंड, इसको हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ना कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, रेड और ब्लैक।
और यहां पर दोनों साइड में आप देखिए यहां पर है इसका चार्जिंग पॉइंट, आप देखिए यहां पे आप इसका चार्जिंग पॉइंट है जिससे हम इसे चार्ज कर पाएंगे, और यहां पर पावर ऑन ऑफ के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहां पर वॉल्यूम कंट्रोल के बटन भी मिल जाएंगे, और इसमें आप देखिए यहां पर जो है बैटरी इसमें लगी हुई है जिसको हम चार्ज कर पाएंगे। शायद ये यहां से चार्ज होगा, तो आई थिंक बैटरी मुझे लगता है इसी कंपार्टमेंट में है। और यहां पर ये जो आप ये टिप्स देख रहे हैं यहां पर भी म्यूलो की ब्रांडिंग है और क्वालिटी काफी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वालिटी में। मेन बात आती है साउंड की, जैसा कि बॉक्स पे लिखा हुआ है, तो अभी मैं इसको साउंड सुनता हूं और बताता हूं इसका साउंड कैसा है, और फिर इसकी कीमतों की बात करते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम इस वायर्ड हेडफोन की। तो ये जो हेडफोन है ये मात्र 450 रुपए में आपको मिल जाएंगे अमेजन पर, बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी जो साउंड क्वालिटी है, इसका जो वोकल है काफी क्लियर है, साउंड लाउड है और बेस काफी अच्छा मिल जाता है। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, 450 रुपए में क्या आता है यार। क्वालिटी वायर की काफी अच्छी है और बेस ऐसा है जैसा हम इंडियंस को चाहिए। तो मैं इसका तो गिव अवे नहीं करूंगा क्योंकि काफी सस्ता प्रोडक्ट है, कोरियर में भेजने में काफी पैसे लग जाएंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको आप बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस नेक बैंड वायरलेस हेडफोन्स की। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये मैग्नेटिक है, ये काफी अच्छी बात है, और एक जब हम इसको यहां पर कान में फिट करते हैं तो काफी अच्छा लुक ये देता है। देखिए वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, अभी सभी लोग घर पर बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हेडफोन्स की हमें काफी रिक्वायरमेंट रहती है, तो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इस तरह के हेडफोन्स। अब बात करें इसकी कलर की, तो कलर वगैरह आपने देख लिया, रेड और ब्लैक है, काफी अच्छा है। वायर की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। साउंड की अगर बात करें तो साउंड काफी लाउड है और बेस आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है, मतलब ये समझिए कि आप 50% पर भी अगर सुनेंगे वॉल्यूम पर तो भी आपको काफी अच्छा बेस इसके अंदर देखने को मिलता है। 1500 रुपए की कीमत अभी फिलहाल अमेजन पर है इसकी, आप इसको भी बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मैं इसका कर रहा हूं गिव अवे, अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि इस वायरलेस हेडफोन में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, और 14 जून संडे को मैं लाइव आकर इसका एक रिजल्ट निकालूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, और उसका जो अनाउंसमेंट है वो मैं कम्युनिटी टैब में भी कर दूंगा, जो भी विनर होगा उसके घर तक मैं ये भिजवा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।